अब मैं कभी कभी आप लोगों को वीडियो और ऑडियो व्हाट्सएप मैसेज भी दूंगा, यूट्यूब पर मैं डालूंगा, क्योंकि मेरा काम केवल अपने लिए जीना नहीं, इस धरती के लिए जीना भी है। और इस धरती के लिए जीना का जो जीने का जो पाठ शुरू होता है वो भारतीय संस्कृत से होता है, भारतीय चिंतन से होता है। और मैं हूँ, इसलिए वो मैं हूँ और काफ़ी जान लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है। और सबसे बड़ा जो जीवन का अनुभव होता है, जो कई ग्रंथों को पढ़कर से भी बड़ा होता है, घर में कहते हैं ना, समाज में कहते हैं ना, कि हमारे वृद्ध हमारे सबसे बड़े पूजनीय हैं। वो इसीलिए कहते हैं कि कितने वेद पुराण रामायण महाभारत ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है वो उन्होंने जी के जान लिया है। जी लेने के बाद जो ज्ञान होता है वही असली ज्ञान होता है, प्रैक्टिकल ज्ञान। जी लेने पर जो चिंतन होता है वो बुढ़ापे में होता है, जवानी में कहा, 40 के बाद ज्ञान होता है, 40 के बाद उम्र शुरू होती है, किसी की नहीं भी होती है, कोई अनजान में ही मर जाता है। इसलिए दुनिया में इसलिए आए हैं कि जान कर मरें, जब जान लिया सबका सच, जब समझ लिया सब सच, तब समझो कि धन्य हुए हैं। वरना जिंदगी तो कईयों की क्या सभी की, 99.99% लोगों का तो बस वही आज पढ़ाई लिखाई में, कल नौकरी को प्राप्त करने में, फिर नौकरी करने में, फिर शादी ब्याह बच्चे पैदा करने में, फिर उनको पढ़ाने में, यही धन को जोड़ने में लग जाता है। फुर्सत नहीं मिलती है, कैसे जी रहे हैं, क्या जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसा क्या कुछ। और जो ज्ञान होता है, चिंतन होता है इन सब चीज़ों का, वो 40-50 के बाद होता है। कोई अगर चेतन है तो, कोई अध्ययनशील है तो। और मैं एक बात और कहूँ, कोई कुछ भी कहे उसकी बात में दम होता है, उसकी बात का अन्वेषण करो ना कि क्यों क्यों कहा, क्या कहा, कितना सच है, कितनी गंभीर बात है, कितना नहीं है, वगैरह वगैरह। यही तो जीवन है, और यही जिसने समझ लिया उसका जीवन धन्य हो गया, अच्छा हो गया। धन कमाना उद्देश्य नहीं है, सुख कमाना उद्देश्य होना चाहिए, सुकून कमाना, अपनत्व तो कमाना, सबको अपना मानना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मैं उससे ऊपर, मैं उससे नीचे, ये सब तभी शुरू होता है जब अज्ञान होता है आदमी और इस माया जाल में धन के मोह के इसमें पड़ जाता है, घिर जाता है। इसे निकलो।